चलो गुड मॉर्निंग। देखो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने DDA एल्गोरिदम को स्टार्ट किया। अब DDA एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आप ये देखो कि अपन ने एक लाइन ड्रॉ की थी, उसमें हम लोगों को लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पॉइंट हम कुछ भी दें, चाहे डेसिमल में दें, चाहे नेगेटिव दें, चाहे कैसे भी दें, हमारा जो डीडीए लाइन का प्रोग्राम था वो क्या कर रहा था, उस लाइन को ड्रॉ करके दे रहा था। हमारे लिए बहुत इजी हो गया था। एक्चुअल में हम लोगों ने एक पहले लाइन नाम का फंक्शन था उसको भी पढ़ा था। वो लाइन नाम का फंक्शन क्या कर रहा था, उसकी बैकएंड एक्टिविटी को समझने के लिए ही हम लोगों ने डीडीए लाइन। तो गाइस, अब आज हम लोग आगे चल रहे हैं। उससे पहले किसी भी स्टूडेंट को डीडीए में कोई डाउट है तो पूछो। डीडीए लाइन में किसी को कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो आप पूछो। किसी को भी कोई भी डाउट लग रहा हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई तो अच्छा डीडीए एल्गो का कोड सेंड नहीं होगा। ओके, वो एक काम करता है, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, उस पीडीएफ का कोड लिखा हुआ है स्टूडेंट ने। क्या हुआ? हाँ भाई, तो डीडीए एल्गो का जो कोड है वो मैं आपको अभी ग्रुप पे एक पीडीएफ भेज दूंगा क्लास के बाद, या फिर मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा पीडीएफ, आप दोनों। तो उस पीडीएफ में आपको कोड मिल जाएगा। और किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करो, या डीडीए एल्गो समझ में नहीं आई हो, या और एग्जाम्पल करने हो, या कुछ और अगर डाउट है डीडीए एल्गो से रिलेटेड तो आप ऐसे क्लियर कर लो, क्योंकि देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो डीडीए एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो डीडीए एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। इसलिए DDA एल्गोरिदम में किसी को अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से अभी क्लियर कर लो, ताकि आप लोगों को बाद में किसी को भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पता पड़े वरना आप ही बाद में सरवाइव कर रहे हो उस चीज से, तो वो मैं चाहता ही नहीं। नहीं है किसी को कोई डाउट, कन्फर्म है? फिर मैं पूछ रहा हूँ, डीडीए में किसी को कोई भी डाउट है आप क्लियर कर लो। चले, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, इसका मतलब किसी को कोई डाउट नहीं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो ये लो आप फिर। ओके, किसका मैसेज है? क्लियर। तो बच्चों आपको तो क्लियर है, वो तो अच्छी बात है।
क्लियरिंग के साथ ही एक छोटी सी चीज अपन ले लेते हैं जिसका नाम है असाइनमेंट। तो वो असाइनमेंट है कि फाइंड ऑल द कोऑर्डिनेट बिटवीन द गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन थ्रो DDA लाइन एल्बो। कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं जो आपने फाइंड करने हैं? नंबर वन 2.3 टू 7.8, नंबर टू 4.7 टू 9.15, 1.2 टू 9.10। ये तीन आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ये तीन आप लोगों को पढ़ना है तीनों असाइनमेंट। तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हम लोग DDA एल्गोरिदम को सॉल्व करें, इन तीनों के पीछे कोऑर्डिनेट्स निकालने थ्योरेटिकल। हाँ बड़ा तो है कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। देखो आप अपनी क्लास में राइट नाउ 51-52 स्टूडेंट्स हैं और आप समझो DDA एल्गोरिदम 52 में से किसी को कोई डाउट नहीं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं। दुख की बात है 52 में से एक भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है। तो डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, क्या पता आई जाए तो पकड़ लेंगे, डाउट अगर कुछ आएगा तो कर लेंगे सॉल्व। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करके रखना है, और जैसे भी कॉलेजेस ओपन होगी तो मैं चेक कर लूंगा, और अगर कॉलेज ओपन होने में टाइम लगता है, मान लो ओपन नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूंगा, एक लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वहाँ उस लिंक पे आप सभी अपने असाइनमेंट को अपलोड कर देना। ये वाले जो ऐसे असाइनमेंट में दे रहा हूँ करने के लिए, इन असाइनमेंट्स को आप वहाँ अपलोड कर देना, तो मैं वहाँ चेक कर लूँगा कि आप लोगों ने असाइनमेंट किया है या नहीं किया। आप सभी इस पूरे असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे कहानी समझते हैं क्या करना है हम लोगों ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक सो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो जैसे हम लोगों ने पहले बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स करके कुछ डायग्राम्स बनाए, कुछ असाइनमेंट्स बनाए, कुछ प्रोग्राम्स बनाए, फिर उसके बाद हम लोगों ने फुट पिक्सल लूप को समझा, फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइन फंक्शन को समझा, फिर हमने फर्दर डिले फंक्शन समझा, फिर हमने कुछ असाइनमेंट्स बनाए, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, फिर उसके बाद हमने एक प्रोग्राम को पढ़ा और एक DDA लाइन एल्गोरिदम को समझा। आज अब हम लोग फिर से कुछ छोटे छोटे से फंक्शंस पढ़ते हैं और वापस से फिर एक एल्गोरिदम ब्रसन हेम्स लाइन एल्गोरिदम जो होती है उसको पढ़ेंगे। तो जैसे DDA लाइन एल्गोरिदम है, सेम ब्रसन हेम्स लाइन एल्गोरिदम। तो जब ब्रसन हेम्स लाइन पढ़ रहे होंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि DDA लाइन एल्गोरिदम और ब्रसन हेम्स लाइन एल्गोरिदम दोनों में क्या डिफरेंस है। जब मार्केट में ऑलरेडी DDA लाइन एल्गोरिदम थी तो ब्रसन हेम्स लाइन एल्गो को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसे क्या रीजंस थे, और जब ब्रसन हेम्स लाइन आ गई अगर वो DDA लाइन से ज्यादा अच्छी है तो फिर DDA लाइन को बंद क्यों नहीं किया गया, क्यों आज तक DDA लाइन को स्टडी किया जा रहा है, क्या रीजन, इन बातों को हम लोग डिस्कस करें। उससे पहले कुछ छोटे छोटे से प्रोग्राम्स बनाने के लिए हम लोग कुछ फंक्शंस देखते हैं। तो ये नया हमारे पास एक पार्ट स्टार्ट हुआ जिसमें छोटे छोटे से फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन आता है रेक्टेंगल। तो जैसे लाइन बनाने के लिए एक लाइन फंक्शन आप लोगों ने यूज किया है, उसी तरीके से रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाने के लिए अब रेक्टेंगल फंक्शन काम में है। रेक्टेंगल जो फंक्शन है इसके चार आर्ग्यूमेंट होते हैं और चारों ही इंटीजर टाइप के होते हैं। रेक्टेंगल जो फंक्शन है इसका रिटर्न डेटा टाइप वॉइड होता है। आपको स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, तो दोनों के लिए सेम फंक्शन यूज होगा। अब कैसे वो समझे, रेक्टेंगल फंक्शन के चार आर्ग्यूमेंट होते हैं। मान लीजिए आपको ये रेक्टेंगल बनाना है, तो इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट, यानी डायगोनल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बता होने चाहिए। ये होंगे आपके x1, y1
और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2। तो हमें रेक्टेंगल फंक्शन के जो चार आर्ग्यूमेंट है तो मुझे कैसे यूज करना है, कैसे भी लिख सकता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लिख के मुझे फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1, y1 देना है, फिर x2, y2 देना है। तो इस डायगनली, मतलब ये डायगनली काउंट करते हैं, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डायगनल है, इसके बीच में ये जो पॉइंट आएंगे, इसको ये क्या करेगा, ड्रॉ करके आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर जो भी आपका बनना है वो आपको दे देगा। तो इसमें ऑलरेडी खुद की एल्बो लगी होती है कि 10th क्लास में ये बच्चों को समझाया जाता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हाइपोटेनियस के दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो आप इस ट्राइंगल के ये जो बेस के यानी जो फुट के कोऑर्डिनेट है ये वाला आप पता कर सकते हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली ड्रॉ होता है, तो ये फुट के कोऑर्डिनेट बहुत इजीली निकलते हैं। तो ये एल्गोरिदम भी क्या करती है, बैक एंड में फुट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर इस लाइन को ड्रॉ करती है, इस लाइन को ड्रॉ करती है और इस लाइन को ड्रॉ नहीं करती है, मतलब कोऑर्डिनेट निकल जाता है। फिर सेम सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल रहता है तो वापस परपेंडिकुलर होती है, तो इस वाले कोऑर्डिनेट को ये लोग फाइंड करते हैं और ये दो लाइंस ड्रॉ हो जाती है, तो वन टू और ये थ्री, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं। अब उसमें भी सबसे बेनिफिट क्या होता है कि ये बेस एक फाइंड कर लेते हैं तो इसी बेस को ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। फिर ये वाली लाइन फाइंड कर ली वर्टिकली, तो इसके अपोजिट दूसरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, उससे भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने की नीड इतनी नहीं। तो इस तरीके से वर्क करती है। डायगनल दो होते हैं, एक डायगनल ऐसा होता है, एक डायगनल ऐसा होता है। तो मैंने इन दो डायगनल के कोऑर्डिनेट दिए, आप बोलोगे सर इन दोनों के क्यों नहीं देते। तो जब भी हम लोग प्रोसेस करते हैं तो ये वाला जो डायगनल होता है इसको बोलते हैं मेजर डायगनल, और ये जो होता है वो होता है माइनर डायगनल। तो जो वर्किंग प्रोसीजर किया जाता है, जितने भी एल्गोरिदम्स वर्क करते हैं, वो यूनिवर्सली मेजर डायगनल पे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप माइनर डायगनल पे वर्क करोगे तो चीज चलेगी नहीं, लेकिन वर्किंग जो है वो मेजर डायगनल पे की गई है। तो इसके कोऑर्डिनेट देने की नीड नहीं है, हम लोग देंगे तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट देंगे। अरे बस, तो ये रेक्टेंगल फंक्शन है जिसके चार आर्ग्यूमेंट होगा, टॉप के कोऑर्डिनेट और बॉटम के, यानी दोनों कोऑर्डिनेट किसके, मेजर डायगनल के आपको देने और उससे रिलेटेड एक यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ है। अगर इनके बीच का गैप इक्वल हुआ, तो गैप सेम हुआ, तो ये क्या हुआ, एक स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे, है ना, और नहीं हुआ तो रेक्टेंगल बना। तो एज यूजुअल आप कोई भी कोऑर्डिनेट दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको रेक्टेंगल बना के दे देगा। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके भी चेक कर लें। रेक्टेंगल के बाद एक आता है सर्कल। अभी तक आपने सर्कल बनाने के लिए कितनी मेहनत करी थी, छोटे छोटे से पिक्सल्स को ड्रॉ कर रहे, बहुत दिमाग खराब। रेक्टेंगल बनाने के लिए भी सेम, लेकिन अब रेक्टेंगल जैसे इजी हो गया है, उसी तरीके से आपका जो सर्कल है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो सर्कल नाम का एक फंक्शन होता है, इस सर्कल नाम के फंक्शन का जो रिटर्न डेटा टाइप है वो वॉइड है, रिटर्न कुछ भी नहीं करता। इसके आर्ग्यूमेंट तीन है। नंबर वन, आपके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो रहेंगे कि सेंटर के कोऑर्डिनेट x1 y1 में क्या है। और नंबर थ्री जो आर्ग्यूमेंट है वो है रेडियस से, कितनी बड़ी रेडियस का सर्कल आपको बनाना है। तो जो इसमें रेडियस जाएगी वो इंटीजर में जा रही है, तो वो पिक्सल के फॉर्मेट में जाएगी, कोई 50 पिक्सल का एक रेडियस आपने लिखा। लिखेंगे कैसे, आपने सर्कल लिखना है और आपने दे दिया कि भाई 100,200 पे 50 रेडियस का मेरे पास सर्कल बनना चाहिए। तो ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो x की वैल्यू 100 हो गई, मतलब यहाँ से 100 पिक्सल बन गया। y की वैल्यू 200 हो गई, मतलब यहाँ से 200 पिक्सल हो गया। तो ये पॉइंट इसका सेंटर हो गया। अभी सेंटर से 50 पिक्सल की रेडियस काउंट करेगा ये, और उस 50 पिक्सल की रेडियस को ये रेडिया, मतलब ऐसा मान के इस तरीके से सर्कल आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ। तो ये जो बीच का पॉइंट होता है ये आपका सेंटर होता है और ये आपका रेडियस है। तो इस तरीके से ये आपके एक सर्कल ड्रॉ करेगा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस को लेके करेगा। तो इसीलिए सर्कल के जो कोऑर्डिनेट फंक्शन जो सर्कल है, इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो तीन आर्ग्यूमेंट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर और रेडियस ऑफ सर्कल के, वो भी पिक्सल में। यहाँ तक क्लियर? तो अभी तक दो फंक्शन हो गए, एक हो गया रेक्टेंगल और एक हो गया हमारे पास सर्कल, दो फंक्शन हम लोगों ने क्लियर किए। हाँ, तो अभी यही बात तो शुरू में करी थी कि मैं आपके नोट्स वाली जो पीडीएफ है, क्योंकि वो पीडीएफ ओवर हो चुकी है, नई पीडीएफ हमने स्टार्ट की है, तो मैं पहले उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, दोनों पीडीएफ। अच्छा, एक बात और समझो। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये था
ये सर कलर कैसे बने, कलर कैसे बने, कलर कैसे बने समझ में नहीं आता, क्योंकि कलर वाले क्वेश्चन तो दिए हैं, कलर कैसे भरोगे वो समझो। तो कलर भरने के लिए गाइस एक फंक्शन आता है सेट फिल स्टाइल। अब सेट फिल स्टाइल जो है वो एक पैटर्न फिल करता है, कलर फिल नहीं करता, ये एक पैटर्न फिल करता है। अब जो पैटर्न फिल करेगा वो कैसे करेगा भाई, या तो लाइंस बना देगा, डॉट डॉट डॉट्स बना देगा, खाली छोड़ देगा, पूरा कलर भर देगा सॉलिड इस तरीके से। अब लाइन भी ऐसे वर्टिकल बनाए, हॉरिजॉन्टल बनाए, स्लैंट लाइंस बनाए, कैसे बनाए वो भी एक अपने आप में पैटर्न है। तो ये पैटर्न फिल करता है, सेट फिल स्टाइल जो है वो पैटर्न फिल करता है। इसके दो आर्ग्यूमेंट, पहले तो फंक्शन है सेट फिल स्टाइल, जो आपके किसी भी क्लोज्ड फिगर, किसी भी क्लोज फिगर चाहे वो सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, या आपने तीन लाइंस को लेके कैसा भी शेप बना दिया, और ट्राइंगल का कैसा भी ट्राइंगल बना दिया, या फिर आपने कैसे भी लाइंस लेके और एक क्लोज्ड फिगर बना दिया, उस क्लोज्ड फिगर में अगर आपने पैटर्न बनाया है, कलर बनाया है, तो उसके लिए फंक्शन यूज होगा सेट फिल स्टाइल। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और हो ही रही है। उसका रीजन ये है कि भैया आप जो पुराना पढ़ के आए हैं, उन सब चीजों में आपको जितने दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, वो चीजें आज अब धीरे धीरे आपकी क्लियर होगी। कलर कैसे बनेंगे मैंने बता दिया, सर्कल के बनाने में दिक्कत आ रही है सर्कल फंक्शन ले लो, रेक्टेंगल यानी छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने में आपको पता नहीं कितने कोड लिखने पड़े, तो छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने के लिए रेक्टेंगल फंक्शन काम में ले लो, स्लैंट लाइन बनानी है एक लाइन फंक्शन काम में ले लो, तो सिनेरी जो बनने वाली है वो बहुत ईजी हो गई। चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो सेट फिल स्टाइल फंक्शन के लिए सेट फिल स्टाइल आपको लिखना पड़ेगा, दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, पहला होता है पैटर्न और दूसरा होता है कलर, और दोनों आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप के होते हैं। कलर में आप कलर कोड भी दे सकते हैं, पैटर्न में आप पैटर्न कोड भी दे सकते हैं। अब पैटर्न कौन कौन से होते हैं फिल स्टाइल में, तो ई नम का ही होता है, तो पैटर्न होते हैं या तो एम्प्टी पूरा ब्लैंक जो बाय डिफॉल्ट सेट होता है, या उसमें सॉलिड फिल किया जाए, या लाइन फिल की जाए, या स्प्लैश लाइन फिल की जाए जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देते हैं। तो चार इसके और भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक मिनट इसको ऊपर शिफ्ट करना है। ये तो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसकी ये वैल्यूज है कि भाई उसको एम्प्टी रखा जाए, सॉलिड रखा जाए, लाइन फिल की जाए, एल टी स्प्लैश लाइन आए, या स्लैश लाइन आ जाए, सारी हॉरिजॉन्टल सॉरी जो स्लैंट हाइट है वो आ जाए, बैक स्लैश लाइन आ जाए, इस तरीके से लाइंस आ जाए, एल टी बैक स्लैश आ जाए, ठीक है, हैच बोले तो हॉरिजॉन्टल फिल आ जाए, हैक चेन आ जाए, इंटर लीव्स आ जाए, वाइड आ जाए, डॉट्स जो छोटे छोटे से डॉट्स आते हैं वो आ जाए, क्लोज डॉट्स हैं, वाइड डॉट तो दूर दूर होंगे, क्लोज होंगे जो बहुत पास पास होंगे, ठीक है, यूजर फिल मतलब यूजर ने कोई पैटर्न दिया होगा उस तरीके से फिल होना चाहिए। तो ये सारे इसकी फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है उसका कोड है, आप यहाँ पे उसके लिए लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इस तरीके से इनके इंडेक्स नंबर को लेके काम कर सकते हैं। तो जनरली करना क्या है भाई, सेट फिल स्टाइल आपको लिखना है, सेट फिल स्टाइल लिखने के बाद में दो आर्ग्यूमेंट देने हैं, और दो आर्ग्यूमेंट देते हैं आपका काम हो जाएगा सेट फिल स्टाइल, इसको ध्यान, ठीक है भाई। सेट फिल अभी मैं इन सब का प्रैक्टिकल करके बता दूंगा आपको, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि काम कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट आता है फ्लड फिल। सेट फिल स्टाइल का मतलब तो ये हो गया, अभी फिल नहीं हुआ है वो फिल होने के लिए सेट हो गया है। मैं चला के बताऊंगा और आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ पूरा, एक मिनट मैं स्क्रीन पूरी शेयर करता हूँ आपके साथ, अभी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये स्क्रीन में इधर से शेयर करता हूँ, देखिए ये आपको विजिबल है सारी चीज, ये आपके फाइल बनाते हैं और पहले इसको सेव कर देते हैं हम लोग टर्बो सी3 में, हम लोग कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सम फंक्शन डॉट cpp और हैश इंक्लूड iostream डॉट h हैश इंक्लूड conio डॉट h
हैश इंक्लूड आपके आ जाएगा graphics डॉट एच, फिर और उसके बाद gd इज इक्वलेंट टू जीरो जी एम, देन इनिट ग्राफ एड्रेस ऑफ gd एड्रेस ऑफ gm और सी ड्राइव में टर्बो सी थ्री में दीजिए ये इसका पाथ एल आर एस सी, ये देखिए गेट चेंज, ये देखिए रेक्टेंगल एक फंक्शन है जिसके आर्ग्यूमेंट मुझे देना है, तो मैंने दिया भैया 100, 200, 400, 200 के बाद मैं बोलता हूँ वापस 400, ठीक है इधर अलग अलग गैप हो गया, चला के देख लेते हैं कोई एरर नहीं है, आउटपुट देख लेते हैं रेक्टेंगल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डाउट रेक्टेंगल बन गया अपने हिसाब से आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मैंने इसकी आउटपुट स्क्रीन सेट नहीं करी तो ये इसलिए आधे में आ रहा है, फुल स्क्रीन मोड पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट 2 मिनट में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो रेक्टेंगल बन गया। चलो रेक्टेंगल फंक्शन काम कर रहा है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्कल पे, किसी बच्चे ने कुछ मैसेज वैसेज लिखा है, अरे भैया मैसेज देखने गुप्ता जी रेडियस है मान लीजिए 250, 250 का एक कोऑर्डिनेट लिया मतलब सेंटर लिया और 50 रेडियस का सर्कल मुझे बनाना है, कोई एरर नहीं, तो चला भी देते हैं इसको, बहुत बढ़िया टाइम लगेगा चलने में, आज इसका फंक्शन किया था मैंने काम हो, अरे चलने में क्या दिक्कत है, पता नहीं अभी किस्मत सही नहीं है मेरी सही नहीं है, जो भी है ये सर्कल बन गया 50 रेडियस का। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप कितना बना रहे हैं, अभी सर्कल भी बना के बता दिया और मैंने वो भी कर दिया, अब क्या हो रहा है कि इस सर्कल में कोई कलर वलर भरना होगा, आपने तो सिखाया था सेट स्टाइल, तो सेट फिल स्टाइल बोले आर्ग्यूमेंट दे दो, ले दो कोई 3-4 नंबर का जो भी है, कलर 15 ले लेते हैं वाइट कलर, चलो कलर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ध्यान रखना, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या होगा या रेड कलर का कोई पैटर्न तो भरा ही होगा, रेड कलर में कुछ ना कुछ तो आया ही होगा, आया ही नहीं हो तो कुछ भी देखो, जबकि आपने तो बोला था सेट स्टाइल से भरा जाएगा कलर वलर, नहीं भरा, क्या हो रहा है, ये तो गलत बात हो गई। तो समझो सेट फिल स्टाइल क्या करता है, कलर को फिल करने के लिए सेट कर देता है। अरे यार केतन ये इसमें क्या है, वो ग्रेस नहीं आ रही क्योंकि इसमें सेटिंग्स वगैरह सेट हो रखी है और आउटपुट जो स्क्रीन है वो भी अभी फुल नहीं आ रही है, तो भी मुझे सेट करना पड़ेगा, मैं इसको यूज़ ही नहीं करता इसलिए टाइम नहीं मिलता, तो सेट ही नहीं किया है, कोशिश करूँगा डेस्कटॉप से ले लूँ तो ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें। देखो तो फिल सेट फिल स्टाइल जो फंक्शन है वो क्या करता है, कोई भी चीज़ आपको फिल करनी है उसको फिल करने के लिए वो सेट कर देता है कि अब आप फिल करो, तो यही पैटर्न फिल होगा जो अभी यहाँ पे सेट हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिया है फर्स्ट क्वार्टर उसमें, तो 4 के लिए क्या हो गया, एम्प्टी का 0, सॉलिड का 1, लाइन का 2, एलटी स्लैश का 3 और स्लैश लाइन का 4, तो इसका मतलब फिल क्या होनी चाहिए, स्लैश लाइन कौन से कलर में, रेड कलर में, तो सेट मैंने कर दी कि रेड कलर में स्लैश लाइन आएगी, लेकिन भैया आएगी कैसे, आएगी कब, वो तो इम्पोर्टेंट है, और सॉलिड फिल करना होता तो मैं वहां पे 1 लिखता, तो सॉलिड फिल बोले तो कलर फिल हो गया, रेड कलर फिल हो जाता है ना, लेकिन फिल होगा कैसे, ये तो आपने सेट कर दिया। तो बच्चों फिल करने के लिए फ्लड फिल
नाम का अगेन एक फंक्शन है जो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। फ्लड फिल क्या काम करता है, मतलब जनरली फ्लड फिल को समझो तो फ्लड फिल एक ऐसा फंक्शन है जो आपके पिक्सल्स का कलर चेंज कर रहा है, बस आपके पिक्सल्स का कलर चेंज कर रहा है, और वो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से कलर चेंज करना स्टार्ट करेगा, उसके आसपास के सारे पिक्सल से कलर चेंज करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, पूरी स्क्रीन का कलर चेंज करना है। पूरी स्क्रीन तो मुझे तो नहीं करनी, मुझे तो एक पर्टिकुलर सर्कल करना है, रेक्टेंगल करना है, बॉक्स बनाना है, कुछ एरिया करना है। तो फ्लड फिल क्या करता है, फ्लड फिल के आर्ग्यूमेंट होते हैं। वो क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं, पहला तो इसको ये बताओ कि बेटा तेरे को शुरू यहां से करना है, तो इसको बताओगे, इसको स्पून फीडिंग की आदत है, स्पून फीडिंग चाहिए इसको, इसको बताओगे बेटा तेरे को यहां से शुरू करना है, वो कोऑर्डिनेट दो इसको। तो आपने बोला एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, वो दे दिया, भैया यहां से चालू हो जाए कलर भरना और तू भरता रहे बटा, तो इतना शाना है। अगर इसको बताओगे नहीं ना कि यहां रुकना है तो ये रुकेगा नहीं, पूरी स्क्रीन को भर देगा। तो आप इसको बताओगे भी सही कि देख फिल करता रहियो, जब भी तेरे को ये कलर पर्टिकुलर मिल जाए वहां पे फिलिंग रोक दियो। तो इसका जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है वो पर्टिकुलर कलर होता है जो मिलते इसको फिलिंग रोकनी। समझाता हूं कैसे, समझो जैसे मान लो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है पूरी और ये एक सर्कल है, इस सर्कल में आपको ग्रीन कलर भरना है, तो इस सर्कल के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट है, अंदर कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा लो, कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा लो, जरूरी सेंटर उठाओ, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, कोई भी जो आपकी इच्छा वो उठा लो, वो कोऑर्डिनेट उठा के उसको दे दो कि भैया जिस भी फिगर के अंदर, डायग्राम के अंदर मुझे कलर भरना है उसके अंदर का जमाने का किसी कोने का कोऑर्डिनेट ये तू पकड़ ले और यहाँ से शुरू हो जाए। तो मानो मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट इसको दिया हो और मैंने इसको बोला तेरे को भरना क्या है, ग्रीन कलर, तो ये यहाँ से भरना चालू होगा और हर पिक्सल को ग्रीन 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 सारे वो करता जाएगा, सबको ग्रीन कर देगा, पूरे पिक्सल को ग्रीन कर देगा, रुकेगा नहीं, पूरी स्क्रीन को कर सकता है। तो इसको रोकने के लिए थर्ड आर्ग्यूमेंट में ये बताना पड़ेगा कि देख बेटा इसकी जो बाउंड्री है वो रेड कलर की है, तो तेरे को जैसे ही रेड कलर मिले उसके आगे तेरे को फिल नहीं करना, वहां रुक जाना है। तो देखो ध्यान से समझ, ये क्या करेगा, इधर फिल करता जाएगा, करता इस वाले लाइन को देखना है, यहाँ पे फिल करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, सारे कोऑर्डिनेट फिल कर रहा है, यहाँ पे आते आते इस कोऑर्डिनेट को चेक करेगा पिक्सल को, इस पिक्सल का कलर कौन सा है, रेड कलर। तो जैसे ही रेड कलर मिल गया अब इसके आगे जाना बंद कर देगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर फिल करेगा, फिर आगे जाने की कोशिश करेगा, फिर रेड कलर मिल जाएगा, फिर रुक जाएगा। तो कहने का मतलब जहां जहां इसको रेड मिलता जाएगा वहां वहां रुक जाएगा, रेड नहीं मिला भरता चला जाएगा, भर देगा ये पूरा। और अगर गलती से आपका ये डायग्राम कहीं से खुला रह गया छोटा सा, तो ये उस पॉइंट से बाहर निकल जाएगा और पूरी स्क्रीन को भर, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे आपका जो फिगर हो वो क्लोज्ड फिगर हो, और फ्लड फिल फंक्शन को जो आर्गुमेंट देने होते हैं हमारे क्लोज फिगर के अंदर का कोई भी कोऑर्डिनेट देना है, जरूरी नहीं है फिक्स्ड कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट दो और उस बाउंड्री का कलर कोड दे दो कि भैया देख तेरे को यहाँ पर रुक जाना है, ये बॉर्डर है तेरी स्पेसिफिक है, ये लक्ष्मण रेखा, इससे आगे गया तो रावण उठा के ले जाएगा, ध्यान रखिए बाद में राम जी के जैसे हम युद्ध करने वाले नहीं, भरेगा जो भरे। तो इसीलिए इसकी लक्ष्मण रेखा बतानी बहुत जरूरी है इसको। हाँ पेंट में भी ऐसा होता है, तो इसीलिए इसको बताना बहुत जरूरी है। तो इतना अगर क्लियर हो तो देश के भविष्य आगे बढ़े हम लोग, बस देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, भागदौड़ संभाल लो जितना जल्दी हो सके, भविष्य आप ही के हाथ में। तो देखो फ्लड फिल के तीन आर्ग्यूमेंट आ गए, इंट एक्स, इंट वाई और इंट बॉर्डर। बॉर्डर वॉर्डर तो अपने को क्या करना, सीधे साधे इंसान है, देखो सेट कर दिया। तो इसके आगे फ्लड फिल लगाया और बताया कि भैया देखो रेड कलर की, मतलब इसकी जो सर्कल की बॉर्डर है वो तो वाइट कलर की है, तो जैसे वाइट कलर मिल जाए रुक जाना और कोऑर्डिनेट देंगे, मतलब उस सर्कल के अंदर का कोई कोऑर्डिनेट देना है, तो जैसे 250, 250 से स्टार्ट किया और बाकी चल रहा, तो कहीं का भी दे सकते हो। मैं तो
आदत खराब है अपनी तो सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रहे हैं अपन को उसको, तो ऐसा जरूरी नहीं सेंटर के तो ध्यान रखना आगे पीछे के दो को चलेगा, लेकिन होने सर्कल के अंदर के ही चाहिए, कोई एरर नहीं। हम तो प्रोग्राम ही ऐसा बनाते हैं जिसमें कोई एरर नहीं आ रही। अरे चल जा भाई बच्चों को आउटपुट दिखाना, चल जा चल गया। ओ सर्कल के अंदर लाइंस बन गई। अब अगर सॉलिड भरना हो तो वहां पे बेचारा जो सेट फिल स्टाइल में 4 लिखा है उसको शायद 2 करना होगा या 3 करना होगा, ऐसा कुछ भर गया ना कलर इसके अंदर भर गया। अगर सॉलिड कलर भरना है आपने, कलर कोड कहाँ गया, 1 लिखना है तो 1 लिख दो, 1 ये 1 है ना इसका इंडेक्स नंबर 1। बस रिफ्रेश, चल जा बेटा एक बार में चल जा, बहुत दिक्कत होती है। तो ये रेड कलर फिल, अब आप सोचो कि सर ये जो व्हाइट कलर की बाउंड्री आ रही है इसको हटाओ, नहीं पसंद है तो इसको भी रेड करेंगे, कर दो आपकी इच्छा है, तो जब तक रेड नहीं मिलेगा तब भर दे, कर दो इसको भी रेड कर दो, कि जब तक इसको रेड कलर नहीं मिल जाए तब तक फिल होता है। लेकिन जो सर्कल है उस सर्कल की बाउंड्री तो देखो अभी व्हाइट कलर की है। अब आता है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लो मजा आ जाएगा। मुझे सर्कल की बाउंड्री जो भी व्हाइट कलर में, मुझे उस बाउंड्री को रेड करने में कैसे करूंगा। नितेश ने रेजन किया है, वंचिता को क्वेश्चन आ गया बॉर्डर ही बोल्ड करने का, दिमाग भी बहुत खतरनाक चलता है। तो अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून मिस्टर नितेश शर्मा। सर बाउंड्री तो सर सेट कलर से हो जाएगी। हो जाएगी, वेरी गुड, यस प्रतीक। सर सेट कलर सेम। देखो किसी भी चीज का फोरग्राउंड कलर अगर मुझे सेट करना हो तो आपको पहले ही पता है सेट कलर इसका मतलब थोड़ा सीरियसली होता है, अच्छी बात लगी तो सेट कलर से आप उसकी बाउंड्री सेट कर लो, फिर सेट फिल स्टाइल से उसके अंदर भरने के कर लो, फिल स्टाइल को फिल कर दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन सर एक पंगा नहीं आएगा क्या सर, अगर पूरे स्क्रीन पे भर दी तो उसने कैसे भरेगा, उसको रेड कलर मिल जाएगा तो वहां रुक जाएगा ना वो। सर बाउंड्री ब्लैक कर दो अच्छी लगेगी, मतलब आप कुछ कर सकते हो, मैंने आपको भी फिलिंग स्टाइल सिखाई है तो आप इसे यूज करके अपने असाइनमेंट्स को जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो बनाओ। अभी तो मैं और असाइनमेंट देने वाला हूँ इनके बिहाफ पे। ओके सर बाकी वो बाउंड्री तो सर सेट कलर से होगी। हाँ बाउंड्री सेट कलर से, बिल्कुल सही है। देखो वो बिल्कुल सही है, तो अभी तक मैंने फ्लड फिल आपको बता दिया, मतलब कलर कैसे फिल होगा वो हमने बता दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगी ब्रेसेनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तो ब्रेसेनहैम्स लाइन एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे वर्क कर रही है, क्यों वर्क कर रही है, हमने इसको क्यों पढ़ना है, जब डीडीए ऑलरेडी आ गई है तो इसकी रामायण कौन पाले, ये बिल्कुल कहानी अलग है। ब्रेसन हैम्स की कहानी बिल्कुल अलग है, डीडीए तो बहुत सीधी बेचारी बच्ची है, अल्लाह की गाय अल्लाह का बैल है। तो देखो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ब्रेसन हैम्स लाइन एल्गोरिथम क्या होती है, तो उसके पहले एक असाइनमेंट हो छोटा, ये तो करना ही है। ये जो मैंने 7 असाइनमेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं ना, 7 असाइनमेंट, तो 8वां असाइनमेंट है ये, ध्यान रखना, मैं नंबर नोट करता रहूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया असाइनमेंट, जो असाइनमेंट रजिस्टर में करना है। 8वां असाइनमेंट क्या देते हैं, ड्रॉ द गिवन डायग्राम विथ हेल्प ऑफ ग्राफिक्स इन CPP। ये 9th है चिराग, ये को तो याद है 7th है, 9th है, कोई बात नहीं, 9th है तो अच्छी बात है, मुझे याद था कि 7th है, मतलब 8th है, कोई बात नहीं, 9th लिख दिया, 9th असाइनमेंट है ये। अब क्या करना है समझो ध्यान से, मान लो ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है,
इट्स नथिंग बट योर कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, नहीं 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 हाँ वापस समझो. असाइनमेंट्स में ये एट की होगा, ये जो आप इससे पहले वाला गिन रहे हो ना, वो अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट निकालने को दिए, वो तो भैया जनरल एग्जांपल है, उसको असाइनमेंट रजिस्टर में नहीं करना है. आप सोचो उसको असाइनमेंट रजिस्टर में कर रहे हो तो एट तो नहीं 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 लास्ट वो हरिस्वरूप सही कर रहे हैं. लास्ट मैंने कार वाला दिया था, वो कार वाला सेवेंथ नंबर का असाइनमेंट था और ये एट नंबर का असाइनमेंट है. ये असाइनमेंट रजिस्टर में करना है आपको, और वो जो इससे पहले अभी मैंने कोऑर्डिनेट निकालने को दिए, वो असाइनमेंट रजिस्टर में नहीं करना है, वो अपना आपको अपनी नोटबुक में ही करना है. अब इस असाइनमेंट को बहुत ध्यान से सुन लो आप. योर नेम, आपका नेम लिखा हुआ आना चाहिए. ये आपका नेम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव करना चाहिए. मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट, बॉर्डर्स के टच करते ही वो एक दूसरे खट 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 मूविंग करना चाहिए. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, एक बॉल होगी ऐसे, ये समझ लेना आगे वाली कहानी जो समझा रहा हूं. ये बॉल्स तो इनके नंबर है, मतलब ये नंबर आपको लिखने नहीं है, मैं बता रहा हूँ. 3 4 5 6 टोटल 6 बॉल्स. तो जैसे ही आपका नाम लेफ्ट से राइट मूव करेगा, मैं आप लिख देता हूं, वेन योर टेक्स्ट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन ऑल ऑड नंबर बॉल्स आर बाउंसिंग. असाइनमेंट है कि जैसे ही आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है, मतलब टेक्स्ट इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है आपका नाम, तो 1 3 और 5 जितनी ऑड नंबर की बॉल्स है वो बाउंस होनी चाहिए एक साथ. पहले नीचे जाएंगे ऊपर आएंगे नीचे आएंगे ऊपर आएंगे, इस तरीके से बाउंस होनी चाहिए जैसे वो लेफ्ट से राइट है, और इवन नंबर की बॉल्स अपनी पोजिशन पर रहने की. फिर जैसे ही वो टकराए, टकराते जैसे वो वापस राइट से लेफ्ट आए, तो आपकी बाउंसिंग जो बॉल्स हो रही है वो जिस पोजीशन पे जहां होगी बस वहीं स्टॉप हो जाएगी, चाहे वो टॉप पे आ जाए, चाहे वो बॉटम में आ जाए, चाहे वो कहीं सेंटर पे कहीं भी रुके, वो वहीं रह जाएगी. और जैसे ही वो राइट से लेफ्ट मूविंग आपका टेक्स्ट करेगा, अब आपके इवन नंबर वाली बॉल्स बाउंस होने लगे. अब आपके इवन नंबर वाली बॉल बाउंस होगी, इस बात को ध्यान रखना. ठीक है, तो जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो ऑड नंबर वाली बॉल्स बाउंस होंगी, जैसे ही वो राइट साइड की स्क्रीन पे जाकर टच हो जाएगा और वहां से राइट मुड़ने लगेगा, तो जो ऑड नंबर की बॉल्स है उसकी जो पोजीशन होगी जहां पे वो होगी वो सारी बॉल्स वहीं रुक जाएंगी, और जैसे ही राइट से लेफ्ट जा रहा है अब इवन नंबर वाली बॉल्स बाउंस होना चालू हो जाएगी. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना. और इसमें भी वही है, जैसे ही वो लेफ्ट स्क्रीन पे जाएगा जहां पे टच कर जाएगा, वो टच करते इवन वाली भी वहीं रुक जानी चाहिए जहां वो होगी, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, बस ये प्रोग्राम करना है. बिल्कुल, मैं चेक करूंगा प्रथम और उसी के हिसाब से आपको जो प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे, जो आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा उसमें मार्क्स उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे. आपके असाइनमेंट रजिस्टर कंप्लीट हुए तो 10 मार्क का रजिस्टर है, वो ध्यान रखना. अभी मैं हिमांशु कर देता हूँ नोट्स. असाइनमेंट सभी को समझ में आ गया? ये आपका असाइनमेंट है आज का जो आपको करना है. ठीक है, ये 8th असाइनमेंट है आपका जो आपने करना है. आज जो फंक्शन पढ़ा है उन फंक्शन की हेल्प लेके आप इनको और अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हो. बाकी डिले फंक्शन लग रहा है, फंक्शन का यूज करना है, ये आपको समझ में आ गया. ठीक है गाइस, हार्ड नहीं है चीजें, वंशता धीरे धीरे इसी तरीके से होंगी.
थोड़ा इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग आने वाली क्लासेस में और इम्प्रूव करेंगे इन प्रोग्राम्स को और थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो कैसे करना है वो आगे आने वाली क्लासेस में आप देखते चले।